वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में। ओके, सो पहले हम समझते हैं कि कार्सिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। कार्सिनोजेनेसिस मींस देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ ट्यूमर और द पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। ओके, एंड कार्सिनोजेंस का मतलब क्या होता है कि एजेंट्स विच कैन इंड्यूस द ट्यूमर। ओके, सो ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए जो एजेंट होता है उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेंस, और जो ट्यूमर फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस। ओके, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस और उसके एसोसिएटेड थ्री टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस होते हैं। ओके, सो थ्री टाइप्स में क्या आएगा, केमिकल कार्सिनोजेंस, फिजिकल कार्सिनोजेंस, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल कार्सिनोजेंस एंड उसके एसोसिएटेड केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। ओके, सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग केमिकल कार्सिनोजेंस। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो कार्सिनोजेंस होता है, जो केमिकल कार्सिनोजेंस, वो जो टारगेट सेल पे जो अटैक करता है, टारगेट सेल पे जो एक्ट करता है, वो क्या होना चाहिए, अल्टीमेट कार्सिनोजेंस होना चाहिए। ओके, सो जो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस है वो ऑलरेडी अल्टीमेट कार्सिनोजेंस है। ओके, सो देर इज अ नो नीड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिवेशन टू बिकम अ कार्सिनोजेनिक। ओके, लेकिन जो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस है वो क्या है, प्रो कार्सिनोजेंस है। उसको अल्टीमेट कार्सिनोजेंस के लिए कन्वर्जन के लिए यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट है। ओके, सो इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस विच रिक्वायर्स द मेटाबॉलिक एक्टिवेशन टू बिकम अ कार्सिनोजेनिक। ओके, और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन है उसे हम कहते हैं प्रो कार्सिनोजेंस, विच कन्वर्ट इन टू द अल्टीमेट कार्सिनोजेंस बाय द मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। जो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होगा वो कहाँ पे होगा, इन द लीवर। ओके, बाय द मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम। ओके, देखिए तो यहाँ पे केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के जो स्टेजेस है उसमें कौन कौन से स्टेज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो केमिकल कार्सिनोजेंस की स्टेजेस में नॉर्मली तीन स्टेजेस आएगी, इनिशिएशन, प्रमोशन एंड प्रोग्रेशन। देखिए तो इनिशिएशन, प्रमोशन एंड प्रोग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट हम समझते हैं इनिशिएशन के बारे में। ओके, सो मैंने आगे बताया उसी तरह टू टाइप्स ऑफ केमिकल कार्सिनोजेंस है, डायरेक्ट एक्टिंग केमिकल कार्सिनोजेंस एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस विच एक्ट एंड टारगेट्स ऑन द टारगेट सेल्स। ओके, सो एक्ट ऑन द टारगेट सेल्स एंड विच प्रोड्यूस द रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब जो कार्सिनोजन से वो डायरेक्टली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स है और वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स। जो यहाँ पे रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ओके, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं है उसे हम कहते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स और द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ओके, सो यहाँ पे जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्या करेंगे, जो टारगेट्स मॉलिक्यूल है लाइक डीएनए, आरएनए एंड अदर प्रोटीन्स, उसके ऊपर एक्ट करेंगे। ओके, जो मतलब डीएनए और आरएनए क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। ओके, सो जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स है वो एक्ट करेंगे टारगेट मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड आरएनए। ओके, और वो क्या करेंगे, परमानेंट डीएनए डैमेज। ओके, जो डीएनए का डैमेज करेंगे। ओके, जो वो डीएनए का जो डैमेज होगा वो परमानेंट होगा, और जो सेल है जिसमें डीएनए डैमेज हुआ है उसे हम कहते हैं म्यूटेटेड सेल्स। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन। ओके, सो इनिशिएशन में कौन से इवेंट आएगी, सो देयर इज अ एक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस ऑन द टारगेट सेल विच प्रोड्यूस द रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स विच एक्ट ऑन द टारगेट मॉलिक्यूल्स एंड लीड्स टू द परमानेंट डीएनए डैमेज। सो ये फर्स्ट स्टेज हो गया इनिशिएशन, और जो इनिशिएशन है उसकी पिक्युलरिटी क्या आएगी, देर इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल स्टेज, एंड जो यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो फास्ट चेंजेस होगा, और ये स्टेज है उसे हम कहते हैं म्यूटाजेनिक स्टेज। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे दूसरा स्टेज आएगा प्रमोशन। ओके, सो यहाँ पे जो दूसरा स्टेज है प्रमोशन में क्या होगा, जो परमानेंट डीएनए डैमेज वाला सेल है, जो म्यूटेटेड सेल है, उसका क्या होगा, प्रोलिफ्रेशन होगा। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा क्लोनल प्रोलिफ्रेशन ऑफ अल्टर्ड सेल्स और द म्यूटेटेड सेल्स, और जो म्यूटेट सेल का जो प्रोलिफ्रेशन होगा उसके बाद
कन्वर्जन होगा कैंसर फिनोटाइप सेल्स में और दी प्री न्योप्लास्टिक सेल्स। ओके सो ये दूसरा स्टेज आएगा प्रमोशन। सो बेसिकली प्रमोशन स्टेज क्या है, नॉन म्यूटाजेनिक स्टेज है, उसमें कौन सी इवेंट्स होती है, ओनली क्लोनल प्रोलिफरेशन। देखिए सो इनिशिएशन में क्या होता है, वो म्यूटाजेनिक स्टेज है उस जिसमें डीएनए डैमेज होता है, लेकिन जो प्रमोशन स्टेज है, प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, ओनली क्लोनल प्रोलिफरेशन। सो जो ये प्रमोशन स्टेज है वो रिवर्सिबल स्टेज है और यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो सडन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था वो जो चेंजेस होता है वो फास्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस होता है वो सडन नहीं होते। ओके और उसकी मेन इवेंट होगी ओनली क्लोनल प्रोलिफरेशन। ओके तो यहाँ पे जो सेल प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं प्री नियोप्लास्टिक सेल्स और दी कैंसर फिनोटाइप सेल्स। ओके और जो प्री नियोप्लास्टिक सेल्स है वो आगे क्या करोगे, वो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन स्टेज। प्रोग्रेशन स्टेज में क्या होता है कि जो प्री नियोप्लास्टिक सेल है वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, फिनोटाइपिक फीचर्स है ऑफ मेलिग्नेंट सेल की वो शो करेंगे। ओके सो मतलब इन्वेजन, मेटास्टेसिस, जो कैंसर सेल के जो फीचर्स है वो यहाँ पे फिनोटाइप होगा बाय दी मेलिग्नेंट ट्यूमर। ओके सो लास्ट स्टेज होगा प्रोग्रेशन। सो यहाँ पे थर्ड स्टेज है प्रोग्रेशन, जो उसकी पिकुलरिटी क्या है, वो इरिवर्सिबल स्टेज है और यहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो फास्टर ग्रोथ होगा। सो ओके तो यहाँ पे वो हो गए तीन स्टेजेस, इनिशिएशन, प्रमोशन एंड प्रोग्रेशन के बारे में। ओके देखिए तो यहाँ पे एक मैंने फिगर बताई है, देखिए तो यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा जो कार्सिनोजन है वो टारगेट सेल पर एक्ट करेगा और जो यहाँ पे जो इनिशिएशन होता है जो कार्सिनोजन से उसे हम कहते हैं इनिशिएटर। सो इनिशिएटर वर्क एक्स ऑन द टारगेट सेल्स एंड प्रोड्यूस द म्यूटेटेड सेल्स जहाँ पे परमानेंट डीएनए डैमेज होगा। देन प्रोमोटर जो प्रोमोटर कार्सिनोजन है वो यहाँ पे एक्ट करेंगे एंड विच लीड टू द क्लोनल प्रोलिफरेशन। देखिए तो क्लोनल प्रोलिफरेशन होगा प्रमोशन स्टेज में एंड विच प्रोड्यूस द कैंसर सेल्स, और लास्ट स्टेज वो होगा प्रोग्रेशन स्टेज। ओके सो ये पूरा का पूरा हो गया स्टेजेस ऑफ केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में। ओके और देखिए अब लास्ट में हम देखते हैं कि कार्सिनोजेंस के बारे में। ओके सो मेनली टू कार्सिनोजेंस यहाँ पे आएगी, इनिशिएटर कार्सिनोजेंस जो इनिशिएशन स्टेज के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्रोमोटर कार्सिनोजेंस। ओके सो फर्स्ट हम समझते हैं इनिशिएटर कार्सिनोजेंस और उसके एसोसिएटेड कैंसर के बारे में। सो मैंने आगे बताया उसी तरह डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में आएगा एग्जाम्पल अल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एसाइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। ओके और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस में क्या आएगा, एग्जाम्पल में फर्स्ट होगा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसका मेन सोर्स होगा टोबेको, स्मोकिंग, फॉसिल्स, फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूट्स, मिनरल ऑयल्स। ओके उसका मेन सोर्स है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ओके और उसके एसोसिएटेड मोस्ट कॉमन ट्यूमर होगा वो होगा लंग कैंसर। ओके और जो यहाँ पे दूसरा आएगा एरोमेटिक एरोमेटिक एमाइंस एंड एजोडाइज। ओके एरोमेटिक एमाइंस एंड एजोडाइज, उसका एसोसिएटेड ट्यूमर में आएगा ब्लेडर कार्सिनोमा। देखिए ब्लेडर कार्सिनोमा उसका एग्जाम्पल है बेंजीन्स, एजोडाइ, ओके एक्सेट्रा। एंड थर्ड है नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल एक्यूरिंग प्रोडक्ट्स मतलब एफ्लाटोक्सिन B1, बीटल नट्स। ओके देखिए तो एफ्लाटोक्सिन B1 है उसके एसोसिएटेड ट्यूमर में आएगा हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। देखिए तो यहाँ पे है हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा एंड बीटल नट्स के एसोसिएटेड ट्यूमर है ओरल कैविटी कैंसर। ओके और देखिए यहाँ पे जो इनिशिएटर कार्सिनोजेंस का जो इनडायरेक्ट एक्टिंग का जो फोर्थ टाइप है मिसेलिनियस, मिसेलिनियस में आएगा एग्जाम्पल विनाइल क्लोराइड मोनोमर। ओके विनाइल क्लोराइड मोनोमर आपने पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में सुना होगा, उसके एसोसिएटेड ट्यूमर में आएगा हिमेंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर। ओके हिमेंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर। देखिए और यहाँ पे जो एस्बेस्टोस है, एस्बेस्टोस के एसोसिएटेड ट्यूमर में आएगा प्रोस्टेट
ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, आर्सेनिक के एसोसिएट ट्यूमर में होगा बेसल सेल कार्सिनोमा, नाइट्रोसोमाइन के एसोसिएट ट्यूमर में होगा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ओके, सो ये पूरा का होगा इनिशिएटर कार्सिनोजेंस के बारे में। और देखिए जो दूसरा स्टेज है प्रमोशन, प्रमोशन में जो कार्सिनोजेंस होगा उसे हम कहते हैं प्रमोशन कार्सिनोजेंस। प्रमोटर कार्सिनोजेंस के एग्जांपल है फोर्बोल एस्टर, फिनोल्स और हॉर्मोन्स के बारे में। ओके, सो ये पूरा का पूरा हो गया केमिकल कार्सिनोजेंस एंड कार्सिनोजेनेसिस के बारे में। ओके, थैंक यू।